दोस्तों, आज मैं कौशल किशोर सिंह, एक्स सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर तिस्टा एक हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट स्टेज 3 से आप सब लोगों को मैं अपने चैनल इंजीनियर के सिंह एंड एसोसिएट में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी तक हमने टनलिंग के ऊपर जितनी वीडियो बनाई, टनलिंग का अवेयरनेस के साथ साथ रॉक पर भी थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में दिया हूं। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को जो रॉक सेडिमेंट्री रॉक के बारे में बताया था, आज मैं मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में और उसके साथ साथ इग्नेशियस रॉक के बारे में भी बताऊँगा। और इसके बाद से ए रॉक का जर्नी खत्म करने के बाद गुड प्रैक्टिस ऑफ टनलिंग पर हम आएंगे। मैं आपको बताऊं कि मेटामॉर्फिक रॉक है क्या। मेटामॉर्फिक रॉक पहले से अवेलेबल रॉक, सेडिमेंटरी रॉक एक्सेट्रा जो होते हैं उसके पहले से अवेलेबल रॉक का रूपांतर है, यानी उसका रूप का चेंज हुआ है, उसका एटीट्यूड चेंज हुआ है, उसका नेचर चेंज हुआ है। ये जो जिस प्रोसेस के चलते ये जो बदलाव होता है, ये उसको कहते हैं मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म के द्वारा इनका ये तरह रूपांतर होता है। इसका मतलब होता है कि चेंज इन फॉर्म, इस प्रोसेस से ओरिजिनल रॉक जब बहुत ही हाई प्रेशर में आता है तो वहाँ बहुत ही हाई टेम्परेचर रेज होता है, जिसके चलते इस रॉक में फिजिकल और केमिकल बदलाव आता है और उसी बदलाव के चलते ये मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण होता है। मेटामॉर्फिक रॉक ये सारे प्रोसेस जमीन के अंदर ही होते हैं, बाहर में नहीं होते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक दो तरह का होता है, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो फ्लोवेटेड मेटामॉर्फिक रॉक और दूसरा नॉन फ्लोवेटेड मेटामॉर्फिक रॉक। इसमें फ्लोवेटेड मेटामॉर्फिक रॉक जो है, इसमें आपको इस श्रेणी के मेटामॉर्फिक रॉक को, यानी फ्लोवेटेड मेटामॉर्फिक रॉक को जमीन के परत यानी लेयर, इसमें जो है लेयर दिखाई पड़ता है, लेयर ये जो फ्लोवेटेड मेटामॉर्फिक रॉक होता है उसमें लेयर दिखाई पड़ता है, लाइनें दिखाई पड़ती हैं। तो ये इस तरह के रॉक को हम फ्लोवेटेड मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं, जो लेयर बहुत ही सख्ती से बहुत ही स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होते हैं, उनको अलग करना मुश्किल होता है। लेकिन इस तरह के रॉक में टनलिंग ब्लास्ट लेना आसान होता है और इसमें पुल भी अच्छा मिलता है, प्लस इसमें कंजम्पशन ऑफ एक्सप्लोसिव भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, मीडियम क्लास का होता है। दूसरा होता है इस तरह के मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल में हम जेनेसिस, हाइलाइट, सिस्ट, स्लेट, ये इसके जो है मेटामॉर्फिक फ्लोवेटेड मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल है। इसे अब नॉन फ्लोवेटेड मेटामॉर्फिक रॉक, इस तरह के रॉक का निर्माण यानी रूपांतर रिक्रिस्टलाइजेशन के द्वारा जब हाई वेलोसिटी के अंदर डायरेक्ट प्रेशर में पहले से अवेलेबल रॉक आता है तो वहाँ पर बहुत ही हैवी प्रेशर और बहुत ही हैवी बहुत हाई डेंसिटी के अंदर बहुत हैवी प्रेशर और बहुत हैवी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के चलते इस तरह का रॉक का निर्माण होता है, इसको कहते हैं नॉन फ्लोवेटेड मेटामॉर्फिक रॉक। और इस प्रकार के रॉक में ज्वाइंट और फ्लोशन काफ़ी बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड होता है, जिसका लेयर नहीं होता, उसमें लेयर दिखाई भी नहीं पड़ता है। तो इस तरह के रॉक को हम नॉन फ्लोवेटेड मेटामॉर्फिक कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। और इस तरह के जिसमें इस तरह के रॉक में यानी नॉन फ्लोवेटेड मेटामॉर्फिक रॉक के ब्लास्ट में काफ़ी होल ड्रिल होल को काफ़ी लॉन्ग टर्म तक करना पड़ता है, क्लोज होता है, जो बैंडिंग होता है होल के एक होल से दूसरे होल के लाइन के बीच में वो भी कम हो जाता है, नंबर सब होल बढ़ जाते हैं और उसमें कंजम्पशन ऑफ एक्सप्लोसिव बढ़ता है। लेकिन पुल
बहुत ज्ञान मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट श्लोक का है, इसमें कैविटी फॉर्मेशन का कोई चांस नहीं होता। सिंपल शॉर्टकट के द्वारा इसके रॉक को सपोर्ट कर दिया जाता है, यानी रॉक बोल्ट और शॉर्टकट द्वारा यह रॉक सपोर्ट हो जाता है। इसमें कुंदा किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसके बाद जो रॉक आता है उसको इग्नेशियस रॉक या अग्नेय चट्टान कहते हैं। ये अग्नेय चट्टान जब ज्वालामुखी के अंदर जमीन के अंदर से लावा यानी मैग्मा, ज्वालामुखी का मैग्मा जब बहुत ही हेवी स्पीड से ऊपर के तरफ उठता है तो उसमें से कुछ पोर्शन जो है जमीन के अंदर ही रह जाता है और जो पोर्शन जमीन के अंदर रहता है उसको ठंडा होकर के रॉक में परिवर्तित हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम इंटीरियर इंटीरियर रॉक्स, इंटीरियर अग्नेय चट्टान या इंटीरियर इग्नेशियस रॉक कहते हैं। इसका संरचना, इनके संरचना को आधार के स्ट्रक्चर के आधार पर विभाजित किया जाता है। मुख्य इग्नेशियस रॉक के में बसाल्ट, इस तरह के बसाल्ट, गैब्रो, एंडेसाइट, डायोराइट, रियोलाइट तथा ग्रेनाइट है। इस तरह के रॉक को दो भागों में बांटा गया है, यानी इग्नेशियस रॉक को दो भागों में बांटा गया है। अंतः निर्मित अग्नेय चट्टान यानी इंट्रसिव इग्नेशियस रॉक जब ज्वालामुखी का लावा उद्गार के समय या उद्गार के समय मैग्मा यानी लावा मैग्मा ऊपर की ओर अग्रसर होकर धरातल यानी जमीन के ऊपर नहीं पहुंच पाता है और धरातल के अंदर ही ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है, तो इस तरह के रॉक को, इस तरह के अंतः निर्मित रॉक को अंतः निर्मित अग्नेय चट्टान या इंट्रसिव इग्नेशियस रॉक कहते हैं। दूसरा है बाह्य निर्मित अग्नेय चट्टान यानी एक्सट्रसिव इग्नेशियस रॉक जब ज्वालामुखी का मैग्मा यानी लावा उद्गार के समय ऊपर के तरफ बहुत आता है और वो जमीन के धरातल से ऊपर उठ जाता है तो बाहर मैंने चारों तरफ से दिखाई पड़ने लगता है एटमोस्फेयर में, तो इस तरह के जो जब लावा यानी मैग्मा ठंडा होकर के समय के साथ ठंडे हो जाता है और ठंडे होकर के जब रॉक का रूप लेता है तो उसको कहते हैं अंत बाह्य निर्मित अग्नेय चट्टान यानी एक्सट्रसिव इग्नेशियस रॉक। इस तरह के रॉक में एक होता है बैथोलाइट। यह बैथोलाइट यह सबसे बड़ा विशेष रॉक होता है जमीन के ऊपर, गुंबद घुमा बहुत बड़ा हो जाता है, ऊपर का चट्टान इसका इस तरह से होता है, तो ऊपर का शेप इस तरह से होता है और ये इसका जो मतलब शेप जो होता है किलोमीटर, कई किलोमीटर है, सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर तक होता है, तो ये जो है इसको हम कहते हैं बैथोलाइट। वास्तव में यह पतालीय पिंड होता है, यह बड़े गुंबद के आकार का होता है जिसके किनारे खड़े होते हैं, ऊपरी भाग ऊपर खाबर होता है। यह रॉक ग्रेनाइट से बनता है और ये जो रॉक बनता है उसमें ग्रेनाइट का मात्रा ज्यादा होता है, ग्रेनाइट ही जब इस तरह से होता है। ये दूसरा होता है एस्टॉक जो इग्नेशियस रॉक है, एस्टॉक इग्नेशियस रॉक एक छोटे आकार का बैथोलाइट होता है। बैथोलाइट क्या है, बैथोलाइट तो बहुत बड़ा होता है, एक छोटा होता है जिसको एस्टॉक कहते हैं, एक चौक इग्नेशियस रॉक। तीसरा जो है वो जो इग्नेशियस रॉक है लैकोलिथ। जब मैग्मा, ये लैकोलिथ कैसे तैयार होता है, जब मैग्मा ऊपर के परत को ठेल कर और ऊपर उठकर गुंबद बना लेता है उसे लैकोलिथ कहते हैं। उसके बाद से जो है फैकोलिथ में तब ये जब तैयार होता है जब मैग्मा लहरदार यानी इस तरह से लहर के रूप में ठंडा होकर इस तरह से आपको दिखाई पड़े तो इस बात में ये इसको क्या कहते हैं फैकोलिथ इग्नेशियस रॉक।
इसके बाद वाला जो आता है शिल, जब मैग्मा जमीन के सतह के समानांतर फैल जाता है, उसमें कोई लहर नहीं होता है, उसमें कोई वेव नहीं दिखाई पड़ता है, तो उसको कहते हैं शिल। शिल की मोटाई 1 मीटर से लेकर 100 मीटर तक होती है और ये बहुत दूर दूर तक फैलता है, दिखाई पड़ता है। जैसे ये इस तरह के रॉक जो है आपको झारखंड और छत्तीसगढ़ के एरिया में पाए जाते हैं। और सबसे लास्ट में होता है डाइक और डाइक, जैग डाइक एंड डाइक, विशेष रॉक का ही एक पार्ट है डाइक। तो डाइक जब निर्माण कैसे होता है, जब मैग्मा किसी दरार में जम जाता है, यानी जो दरार समझते होंगे कोई चीज ब्रेक कर गया या इधर से जा रहा है कोई ठोस पदार्थ, इधर से ठोस पदार्थ जा रहा, दोनों के बीच में दरार होता है, और उस दरार में जब मैग्मा जा करके इकट्ठा होके जम करके पत्थर का रूप लेता है तो उसको कहते हैं डाइक। इस तरह से दोस्तों आज मैं रॉक का चैप्टर खत्म कर रहा हूँ। इसमें डिटेल में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है और डिटेल अगर कहने लगा जाए तो ये बरसों लग जाएगा। मैं थोड़ा आपको रॉक के बारे में अवेयरनेस दिया है ताकि आप इसको फर्दर स्टडी करके अपने नॉलेज को आगे बढ़ाएं, और जब भी टनलिंग का वर्क करें, जब भी आपको कोई ब्लास्ट लेना हो, चाहे बाहर का लेना हो या अंदर के लेना हो या टनल के अंदर लेना हो या कैवर्न में लेना हो, तो उसमें आप इस अपने स्टडी के हमारे गाइडलाइन हमारे द्वारा दिए गए वर्णन और अपने स्टडी के बेस पर उसका कम से कम आइडेंटिफिकेशन कर सकें। तो उसके बाद आप जूलॉजिस्ट अगर नहीं है तो उसमें भी आप जो थोड़ा करके आप अपने हिसाब से अपना डिग हो का नंबर्स वगैरह डेवलप कर लेंगे। अगर जूलॉजिस्ट है तो उसे मांगे कि भाई उसका RMR वैल्यू क्या है, RMR वैल्यू मतलब रॉक मास रेटिंग, रॉक मास रेटिंग के बारे में आपको बता दे कि जिस रॉक का रॉक RMR वैल्यू 50 से लेकर 60 के बीच में होता है उसको हम कहते हैं, आपको 50 से 65 के बीच में उसको कहेंगे Class 3 रॉक, और जिसका 65 से 80 के बीच में होता है उसको कहते हैं Class 2 रॉक, और जिसका वैल्यू 80 से लेकर के 100 के बीच में होता है उसको कहते हैं Class 1 रॉक। लेकिन हिमालयन रेंज में ज़्यादातर 50 से लेकर 65 के बीच RMR वैल्यू मिलता है, इसलिए इसको Class 3 रॉक में रखा जाता है, डिवाइड किया गया है। और इसके नीचे जो है वो रॉक का ही अगर है तो उसमें रॉक को मतलब ब्लास्ट लेने लायक नहीं है, वो ऐसे भी उसको हटाया जा सकता है, यानी एक्सवेटर के बकेट से या JCB के बकेट से उसको आराम से हटाया जा सकता है, या रोड हीडर के द्वारा उसको ब्रेक करके बाहर निकाला जा सकता है। तो अब रह गया RMR वैल्यू, तो RMR वैल्यू का जो कैलकुलेशन है अगर हम यहाँ पर बताने लगे तो बड़ी लंबी थ्योरी है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और उसका ज़रूरत नहीं है, वो हमारे सिविल इंजीनियर करते भी नहीं है, उनको करने का भी उनका स्टडी नहीं है। तो ये चीज़ करते हैं जियोलॉजिस्ट, जो साइट में जियोलॉजिस्ट होते हैं, जो फिजिकल इंजीनियर होते हैं, वो लोग इसका कैलकुलेट करते हैं कि इसका RMR वैल्यू कितना है, और उस RMR वैल्यू के बेस पर आप अपना फर्दर प्रोग्राम बनाएंगे कि हमें ड्रिल कितना करना है, ड्रिल होल कितने करने हैं, उसका डेप्थ कितना होगा, उसमें कितने एक्सप्लोसिव देंगे, हमको कितना पुल मिलेगा। दोस्तों आज की वीडियो में यहीं स्टॉप करता हूँ, रोकता हूँ क्योंकि वीडियो ऐसे भी लंबी हो गई, और उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा ज़्यादा समय लगने के चलते आप हमको क्षमा करेंगे। आगे जो वीडियो हम बनाएंगे, अब मेन टॉपिक हम टनलिंग पर आएंगे, और हमारी पहली होगी गुड प्रैक्टिस, और पहली वीडियो होगी जो टॉपिक है वो गुड प्रैक्टिस फॉर टनलिंग, यानी टनल ड्राइविंग के लिए गुड प्रैक्टिस क्या है, कैसे करना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, इस सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा तब तक के लिए। और अंत में मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को देखिए, मेरे वीडियो को देखिए, देख के सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे पास कमेंट नहीं आते हैं, कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूँ, अगर आपको कोई डाउट है तो उसके बारे में हमसे पूछिए। तब तक के लिए विदा दीजिए, नमस्कार।